गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 11 लेसन। क्या सीखा आपने? इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, भाग वन। आज हम लोग सेकेंड पार्ट उसका पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अधिकारी आए हैं सेफ्टी रूल बताने के लिए, वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उनको आंसर देते हैं। तो वो लास्ट में उन्होंने क्या पूछा था कि तीनों बत्तियां हमसे क्या कहती है, तो मुदिता नाम की लड़की ने उनको आंसर दिया था कि रेड कलर की बत्ती जो है वो हमें रुकने को कहती है, पीले कलर की रुकने की तैयारी करने के लिए कहती है, और ग्रीन क्या कहती है, चलने के लिए कहती है। इतना ही हमने पढ़ा था पेज नंबर 91 पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और पिक्चर है, देखिए रोड है और ये क्या है, जीब्रा, जेब्रा क्रॉसिंग होता है ना, वहां से हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है। तो आगे हम पढ़ते हैं, देखिए बच्चों से मिल रहे हैं जवाब सुनकर अधिकारी बहुत खुश थे। यानी कि जो जो अधिकारी क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों से और बच्चे सारे आंसर दे रहे थे, तो वो भी खुश हो गए कि बच्चों को तो सब पता है पहले से ही। उन्होंने कहा, शाबाश बच्चों, अब मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। यानी कि वो बच्चों को शाबाशी देती है कि बहुत अच्छा है, तुम्हें ये सब पता है। और वो बताते हैं कि चलो मैं तुमको और सेफ्टी रूल्स बताता हूँ, सुनो। हमें सड़क पर सावधानी के साथ चलना चाहिए, यानी वो कहते हैं कि हम कभी भी रोड पे चले तो हमें पूरी सावधानी से चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो हमें किनारे जो साइड में पैदल चलने की जगह होती है ना, फुटपाथ, उस पर चलना चाहिए, ना कि रोड के बीच में चलना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क की दाहिनी ओर चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर रोड के किनारे पैदल चलने वाली जगह नहीं है, फुटपाथ नहीं है, तो हमें दाहिनी यानी कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए ताकि हमारे सामने से जो भी गाड़ी आए उससे हम लोग बच सके, क्योंकि गाड़ियाँ तो सारी राइट साइड में चलती है, तो हमें पैदल चलने वालों को लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड के। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। देखिए जेब्रा में कौन से कलर होते हैं, व्हाइट और ब्लैक, तो उसी तरह से रोड पे ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई होती है कि उस पर से चल के हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी पर से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। शुभ ने हाथ खड़ा करके पूछा, सर जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? यानी कि शुभ नाम का एक लड़का है, वो जब कहते हैं ना कि जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए, तब शुभ हाथ खड़ा करता है और वो पूछता है कि जो जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, यानी उसको पता नहीं है। उसकी बात सुनकर दूसरे बच्चे आपस में बताने लगे, यानी कि जब वो क्वेश्चन करता है तो दूसरे बच्चों को वो आंसर आता है, तो वो एक दूसरे में ही बातें करने लगे। अध्यापिका ने सबको शांत करवाया, यानी कि टीचर ने उनको बताया कि शांत रखिए, वो जवाब देंगे। अधिकारी ने बताना शुरू किया, यानी कि जो सर आए थे वो उनको आंसर देते हैं। सड़क पर बनी सफेद और काली धारी वाली पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि सड़क के बीच में कभी कभी व्हाइट और ब्लैक रंग की पट्टियां बनी होती है ना, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके ऊपर से पैदल यात्री सड़क पार करते हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले आदमी लोग हैं वो उसी पर से सड़क पार कर सकते हैं। आप जैसे बच्चों के लिए विशेष निर्देश ये है कि पैदल चलते समय जब भी सड़क पार करना, दाएं बाएं देखकर और हरी बत्ती होने पर ही करना। यानी कि देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आप जो बच्चों हो उनके लिए विशेष निर्देश, यानी कि एक अच्छी बात बताता हूँ जो ध्यान में रखनी है आपको, खास करके कि आप जब भी पैदल चलो सड़क पे और सड़क पार करनी हो, रोड क्रॉस करना हो, तो हमें दाएं बाएं यानी कि देख लेना चाहिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड देख के, और ग्रीन बत्ती हरी बत्ती होने पर ही जाना चाहिए, ठीक है। यानी हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि हरी बत्ती चलने को कहती है, ठीक है, तो ग्रीन बत्ती हो तब पैदल चलने वालों को रोड क्रॉस कर लेना चाहिए। सड़क पर दौड़ नहीं लगाना, यानी सड़क पे हमें दौड़ना नहीं चाहिए। कार में सीट बेल्ट लगाकर बैठना चाहिए, यानी कि कार में फोर व्हीलर में हम लोग जब भी मुसाफरी करें तो हमें अपनी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। हाथ या सिर कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए, यानी कोई भी गाड़ी में बैठ के जाए तो उसमें से हमें हाथ और सिर बाहर नहीं निकलना चाहिए। साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना और मुड़ते समय हाथ से मुड़ने वाली दिशा में संकेत करना,
यानी कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको साइकिल चलाने वाला हेलमेट पहनना चाहिए, और अगर आप मुड़ते हैं यानी कि टर्न लेते हैं साइकिल पर बैठ के, तो हमें जिस तरफ टर्न लेना है उस तरफ हमें हाथ का इशारा करना चाहिए, ताकि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको पता चले कि हम टर्न ले रहे हैं, नहीं तो वो उनको पता नहीं चलेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोशिश करना कि साइकिल चलाते समय नंगे पैर अथवा चप्पल की बजाय जूते पहनना, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि साइकिल चलाते समय नंगे पैर अथवा चप्पल की बजाय जूते, यानी कि कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे ना पैरों में बिना कुछ पहने साइकिल चलाते हैं और कुछ बच्चे चप्पल पहन के चलाते हैं साइकिल, तो वो कह रहे हैं कि आप कोशिश करना कि आप नंगे पैर और चप्पल पहन के साइकिल ना चलाएं, उसकी जगह जूते पहन के साइकिल चलाएं। बच्चों को ये बात काम की लगी, इसलिए उन्होंने जोर से कहा, जी सर हम ध्यान रखेंगे। यानी कि ये सारे रूल सुन के बच्चों को लगा कि हाँ ये हमारी सेफ्टी के लिए लिए है, तो सारे बच्चे मिलके बोले जी सर हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। अधिकारी ने आगे जानकारी दी, यानी कि वो अब आगे के रूल बता रहे हैं। अच्छा, तो आप बोर्ड पर देखो और बताओ कि आपने ये संकेत कहाँ देखे हैं, यानी कि वो एक बोर्ड दिखा रहे हैं। देखो आपने पिक्चर में देखा था ना, यहाँ देखिए पीछे बोर्ड लगाया हुआ है ना, वो बोर्ड दिखाते हुए वो पूछते हैं कि वहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, संकेत दिए हुए हैं, वो देख के पूछते हैं कि आपने ये सारे सिंबल्स कहाँ कहाँ देखे हैं रोड पे। ये रहे देखिए, बटन दबाते ही स्मार्ट बोर्ड पर कुछ संकेत उभर आए, यानी कि वो एक बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही बोर्ड पे कुछ सिंबल्स नजर आने लगते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर में दिखाते हैं उस तरह से। तो ये देखिए, ये कुछ सिंबल्स से वो पूछ रहे बच्चों से, बच्चे एक साथ बोले हाँ स्कूल आते समय हमें ये संकेत दिखते, यानी बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने ये देखे हैं संकेत सारे, क्योंकि हम लोग जब स्कूल आते हैं ना तब हमें मिलते हैं रास्ते में। अधिकारी ने इन सभी चिन्हों का अर्थ बतलाया, यानी अधिकारी ने ये चारों का मीनिंग बताया। ये बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें और जानकारी भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी का समय होने वाला था, इसलिए उन्होंने अपनी बात वहीं पे रोक दी। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो ये इसके बारे में तो समझा दिया, पर इससे और भी ज्यादा कुछ बताना चाहते थे, पर उनकी ड्यूटी का यानी कि उनके जॉब पे जाने का टाइम हो गया था, इसलिए वो वहीं पे रोक देते हैं और वो अपनी ड्यूटी पे जाते। बच्चों ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करेंगे, यानी कि बच्चे सब खुश हो जाते ये सारी नॉलेज लेके, और वो उनको सर को आंसर देते हैं कि अब से हम आपने जो जो बताए नियम हम उसका पालन करेंगे। अधिकारी ने फिर आने का वादा भी किया, यानी कि जो सर आए थे वो कह रहे वो प्रॉमिस करके जाते कि मैं दोबारा आऊँगा आपको सेफ्टी रूल समझाने के लिए। उन्होंने जाते समय स्मार्ट बोर्ड का बटन फिर से दबाए तो कुछ संकेत फिर उभर आए, यानी कि वो जा रहे थे तब उन्होंने एक बटन फिर से क्लिक किया तो प्रोजेक्टर पे जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना उस पर फिर से कुछ नए नए सिंबल्स आ गए। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद अपनी अध्यापिका की सहायता से इन्हें हल जरूर करना, यानी वो कुछ सिंबल्स दे देते हैं उसके बारे में बताते नहीं है, वो कहते हैं कि अपनी टीचर से बोलना कि आपको ये समझाने में हेल्प करे। ठीक है, हल ढूंढने में देखो ये तीन सिंबल है उनको बताए बच्चों के, आपने अपने अध्यापिका सहायता से इन्हें हल किया, यानी वो लास्ट में पूछ रहे हैं कि आपने अपनी टीचर की सहायता से इसे हल किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फोर है ना, वो क्या बता रहे हैं, ये क्या है टर्न करने को, यानी कि ये इस साइड टर्न करने को है, ये इस साइड टर्न करने को है, और इसका मीनिंग क्या है, यानी कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, इस पे रेड किया गया ना यानी कि नहीं बजाना है, और यहाँ पे देखिए ये बच्चा चल रहा है तो उस पे रॉन्ग किया गया है कि यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हो, और यहाँ पे देखिए स्लो स्कूल, यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी स्लो चलाइए आगे स्कूल है उसका रूल है, और ये यानी कि रुको यहाँ पे स्लो चलानी है रुकना है, और ये यानी कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है उसका बता रहा है। ठीक है, तो ये हमें रोड पे तो हम चलते हैं पर कभी कभी इस पे ध्यान देते कुछ पता भी नहीं रहता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ कहाँ ऐसे सिंबल्स लगाए हुए हैं, वो हमें हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है ऐसा बताया गया है, तो ये सारे रूल उसके हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, खत्म हो गया नेक्स्ट पार्ट। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, रोड पे चलने के लिए हमारे सेफ्टी रूल्स, अपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में सीखने को मिली। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और साइकिल चलाते वक्त और पैदल चलते वक्त ये सारे रूल को फॉलो करना है। ठीक है, सारे नियमों का पालन करना चाहिए तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। अगर उसमें से हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारी जान को ही खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू।